चलिए अब बात करेंगे क्रिमिनल्स की। आज वो ड्रामेबाज कातिल बेनकाब होगी जो रोती है और पति के कातिल का राज छुपाती है। बेनकाब होगा वो हत्यारा भी जिसने गर्भवती महिला की हत्या की। रिटायर्ड फौजी का खूनी खेल भी होगा जो अपनी पत्नी के लिए बन गया जल्लाद। रिश्तों के कत्ल की इन वारदातों के साथ ही दिखाएंगे ठगी की वारदात भी। जंगल से नटवरलाल करे कॉल, आपको चूना लग गया है। लेकिन क्रिमिनल्स में सबसे पहले देखिए क्लिनिक में शूटआउट, डॉक्टर दंपति का मर्डर। उस क्लिनिक में डॉक्टर दंपति मौजूद थे, उस वक्त एक नर्स भी मौजूद थी। क्लिनिक कुछ ही देर में बंद होने वाला ही था, दोपहर का वक्त था। तभी क्लिनिक में 25 साल का लड़का एंट्री करता है जो पहले डॉक्टर दंपति से बातें करता है और फिर क्लिनिक का शटर बंद कर देता है। उसके बाद सुनाई देती है ठाए ठाए की आवाज। डॉक्टर दंपति की गोली मारकर आरोपी ने हत्या कर दी थी। वहां एक और गोली चली थी, तीसरी गोली। आरोपी युवक खुद को भी मारता है। आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। शटर बंद, क्लिनिक में शूट आउट। पहले हॉट टॉक, फिर गोली की बोली। दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति का मर्डर। गोली की गुत्थी, डबल मर्डर की मिस्ट्री। रहवासी इलाका है ये, जहां इस क्लिनिक में डॉक्टर महेश डहरिया और उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना डहरिया मौजूद थे। वक्त करीब दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच का था। ये क्लिनिक रोजाना सुबह 10 बजे खुलता और दोपहर 4 बजे बंद हो जाता था। लेकिन शनिवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक लड़का क्लिनिक में दाखिल हुआ और डॉक्टर महेश डहरिया और उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना से कुछ बातें करने लगा। इन तीनों के अलावा क्लिनिक में एक नर्स भी मौजूद थी। सोनू की बातचीत हॉट टॉक में बदल गई और उसके बाद उसने क्लिनिक का शटर बंद कर दिया। बंद क्लिनिक में अचानक अंदर से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। रहवासी इन गोलियों की आवाज से दहशत में आ गए। क्लिनिक में एक के बाद एक 3 गोलियां चली। जब फायरिंग बंद हुई और क्लिनिक का शटर खुला तो अंदर का मंजर खौफनाक था। छिंदवाड़ा के चौराहे में ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात हुई। मरवाड़ा में डॉक्टर महेश डहरिया और उनकी पत्नी जो वहाँ चिकित्सा का कार्य करते हैं, उनको एक सोनू मालवी नाम के एक युवक जो 25 वर्ष का है उसने गोली मारी। डॉक्टर को बचाने के लिए उनकी पत्नी सामने आई, तो पत्नी को भी पीठ में गोली लगी है। दोनों ही घायल हैं और दोनों का ही जिला चिकित्सालय में अग्रिम उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर महेश डहरिया को छाती में गोली मारी गई। डॉक्टर वंदना डहरिया पति को बचाने आई तो उन्हें भी गोली मार दी गई। क्लिनिक में शूटआउट किसी और ने नहीं बल्कि सोनू मालवीय ने किया था। 25 साल के सोनू मालवीय की आखिर डॉक्टर दंपति से क्या दुश्मनी थी? सवाल ये भी कि जब तीसरी गोली चली तो इस गोली का निशाना कौन था? तो ये तीसरी गोली आरोपी सोनू मालवीय ने खुद को मारी थी। घायल डॉक्टर दंपति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन दोनों की जान बचाई नहीं जा सकी। दो लोग बाग आए हैं जिनको हिस्ट्री है कि उनको गोली मारी गई है। ये पहला श्री एम के डहरिया 55 साल और दूसरा वंदना डहरिया उनकी पत्नी है, वो 50 साल की हैं।
और दोनों को गोली लगने के बाद वहाँ से रेफर किया गया था। यहाँ पर हम लोगों ने उनका परीक्षण किया तो दोनों मृत अवस्था में थे, मतलब ब्रॉड डेड थे, उनकी मृत्यु हो चुकी। इसके पश्चात आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारी है, उसके सिर में चोट है। और पूरी घटना की सूचना प्राप्त होते ही जो स्थानीय पुलिस और SGOP मौके पर है और इसमें प्रथम सूचना दर्ज की जा रही है, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कई सवाल है कि आखिर किस बात को लेकर क्लिनिक में कोहराम मचा। 25 साल के सोनू मालवीय ने ये शूट आउट क्यों किया, क्यों खुद को भी गोली मारी, क्या प्रेम प्रसंग की कोई कहानी इस गोली कांड में कैद है या फिर ये डबल मर्डर इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा है। ऐसे तमाम सवालात है जिनकी तहकीकात अमरवाड़ा थाना पुलिस कर रही है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक भाई अपनी बहन को रात में कॉल लगाता है लेकिन सुबह लड़की के घर वालों को जो खबर मिलती है उसे सुनकर परिवार के होश उड़ जाते हैं, परिवार सदमे में आ जाता है। यह खबर थी ससुराल में बेटी के मर्डर की, मायके वालों को बेटी की मौत की खबर तक नहीं दी गई। आखिर किसने की थी हत्या? रिटायर्ड फौजी का एक खूनी खेल, रिश्तों का एनकाउंटर दिल दहला देने वाला है, आप भी देखें। बहन को वो आखिरी कॉल, जल्लाद जीजा का कहर, रिटायर्ड फौजी का खूनी खेल, पंद्रह साल से सिसकता रिश्ता, गोली चली, रिश्ते का द एंड। रिश्तों का एनकाउंटर, एक मां सवाल कर रही है आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था, एक बहन की सिसकियां भी यही पूछ रही हैं क्यों मेरी बहन की जान ले ली, और एक भाई रो रो कर यही कह रहा है उसकी दीदी की हत्या क्यों की। ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके के पंचशील नगर समता विहार में रिटायर्ड फौजी के इस खूनी खेल से सब दहल गए। आरोपी नरेश धनौलिया ने बस बंदूक उठाई और रिश्तों का द एंड कर दिया। शाम को फोन किया मैंने, रविकांत सोलंकी मेरा नाम है और जो अभी मेरी दीदी खत्म हुई है, मेरे जीआई ने इनको गोली मार दी। क्या हुआ था? कल शाम को मैंने फोन किया कि मैंने कहा जीआई और कैसे क्या चल रहा है, मैंने बच्चे से फोन करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मतलब गाली वाली देके कि यहाँ फोन क्यों लगा रहा है। मैंने कहा जीआई अगर मैं फोन नहीं लगाऊंगा यहाँ तो और कौन लगाए, मेरे पिताजी नहीं है। सुधा सोलंकी और नरेश धनौलिया की शादी करीब 23 साल पहले हुई थी लेकिन सुधा के मायके वालों की माने तो नरेश धनौलिया गुस्सैल था। आरोप ये कि वो आए दिन उनकी बहन सुधा के साथ मारपीट करता, उस पर जुल्म ढाता। इल्जाम ये कि कई साल से सुधा पति का टॉर्चर झेल रही थी लेकिन चुप रही। तो कहता कि नहीं तू यहाँ फोन नहीं लगाई, मेरी लगाई है। मैंने कि तेरी लगाई कहाँ से आएगी, जब मैं अगर नहीं होता तो मेरी बहन नहीं होती, तेरी लगाई कहाँ से आ जाती। और रात 11 बजे जी मरी दरियो, पूरे परिवार ने अभी तक न्यो खबर ना कही कि जब वो मर गई है। डॉक्टर ने अब खबर मिल रही है कि वो तो रात 11 बजे मर गई। रात को मृतक सुधा के भाई ने जीजा नरेश को कॉल किया, जिस कॉल करने पर वो विफर पड़ा। भाई ने बहन का हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था लेकिन उसे नहीं पता था अगली सुबह उसकी बहन की मौत की खबर आएगी। मायके वाले सुधा की हत्या से अनजान थे। दरअसल रात में नरेश ने पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी। सुधा को पेट में गोली लगी थी जिसे अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब घर लेवे गया हूं ना अपनी जीजी है इसको मार के, तब मार के भगाओ। थाटीपुर क्षेत्र का यह मामला है, धुलपुर का। रात 11:30 बजे की घटना है। आरोपी नरेश धनौलिया के भाई चतुर्भुज धनौलिया ने यह रिपोर्ट करी है कि रात 11:30 बजे की बात है। भैया भाभी घर पे ही थे और उनके बच्चे भी घर पे थे। गोली चलने की आवाज़ आई, जिस पर से जाके देखा तो भाभी सुधा
धुनलिया के पेट में गोली लगी थी, जो 12 बोर लाइसेंसी बंदूक से लगी थी, जो उनके पति नरेश धुनलिया द्वारा चलाई गई थी। रात में रिश्तों का द एंड हो गया था, लेकिन मायके वालों को बेटी की मौत की खबर तक नहीं दी गई। सुबह जब सुधा के घर वालों को हत्या की खबर लगी तो परिवार सहम गया। कुछ पारिवारिक कारणों का टेंशन, आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, उस बात पे से ये गोली चली है। बाकी प्रकरण पंजीबद्ध रात को ही 307 के अंतर्गत कर लिया गया था, विवेचना की जा रही है। खास बात यह है कि नरेश का छोटा भाई चतुर्भुज धनौलिया इलाके का पार्षद भी है। पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा था, इसका फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सलाखों में आरोपी पहुंच गया है। हाँ, अभी अभिरक्षा में लिया है, अभी अभी की बात है, अभिरक्षा में लिया गया है आरोपी को, और उससे पूछताछ की जा रही है। इधर चीख चीतकार इस रुदन में वो दर्द छुपा है, वो जख्म है जो शायद ही कभी भर पाए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बेनकाब होगी वो कातिल जो कत्ल की चश्मदीद गवाह भी है और राजदार भी, जो पुलिस के सामने रोती है, कत्ल का राज छुपाती है, जो कातिल को पहचानती भी है। दरअसल एक इलाके में पत्नी के सामने पति का मर्डर हुआ और पत्नी को पता था उसका सुहाग किसने उजाड़ा। आप भी देखिए, हैरान कर देने वाला खुलासा। यह खेत उस वारदात का गवाह बना जब खेत पर बने मकान में 41 साल के भवानी दीन पाल की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से वार करके उसका काम तमाम किया गया। छतरपुर के चंदला थाना इलाके के गडरपुर गांव में यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। आखिर हत्यारा कौन हो सकता है, सोचिए जरा। पत्नी के सामने पति का कत्ल कर दिया गया। हत्यारे की दहशत मृतक की बीवी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन सवाल अब भी वही कि हत्यारा कौन हो सकता है। और फिर मृतक की बीवी ने पुलिस को कहानी सुनाई कि चार लोग खेत पर आए थे और पति की हत्या करके भाग गए। ये थाना चंदला अंतर्गत बछौन चौकी में एक भदरपुर गांव पड़ता है, जहां पे आज बीती रात खबर आई कि एक व्यक्ति जिसकी आयु लगभग 45-46 साल है, अपने खेत में बने हुए घर में मृत हालत में पड़ा है। और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो देखा कि